नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ये दिन गुजर रहे हैं ट्विन टावर को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिराने का दिन तय कर दिया है और वो दिन है 28 अगस्त। लेकिन दूर बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो ये नहीं जानते कि ट्विन टावर क्या है, इसका मसला क्या है, इसका विवाद क्या है, ये क्यों गिराई जा रही है मंजिलें, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन गिराया जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका नुकसान भी होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके सारे सवालों के जवाब देना चाहती हूँ कि ये जो विवाद है ट्विन टावर का, ये करीब 1.5 दशक पुराना है और नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के लिए ज़मीन का आवंटन जो है 23 नवंबर 2004 को हुआ था। इस प्रोजेक्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को करीब 84,273 वर्ग मीटर ज़मीन आवंटित की थी। 16 मार्च 2005 को इसकी लीज डीड हुई थी, लेकिन उस दौरान ज़मीन की पैमाइश में लापरवाही के कारण कई बार ज़मीन बड़ी और घटी हुई निकली। आप पॉइंट नोट कीजिए कि जिस समय पैमाइश हो रही थी, ज़मीन कभी घट के निकल रही थी तो कभी बढ़ के निकल रही थी। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के मामले में भी प्लाट नंबर 4 पर आवंटित ज़मीन के पास ही एक टुकड़ा निकल आया, जिसकी अतिरिक्त लीज डीड 21 जून 2006 को बिल्डर के नाम पर कर दी गई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी के बाद बीते कई महीनों से नोएडा के सुपरटेक ग्रुप के प्रोजेक्ट एमराल्ड कोर्ट के 2 अंडर कंस्ट्रक्टेड टावर्स को गिराने की तैयारी चल रही है। ये जो शिकायत है, बायर्स की शिकायत के बाद एपेक्स और सियाने टावर्स को गिराने के कोर्ट ने आदेश दिए। इनका बनना जहां घर खरीदारों के लिए एक बड़ा धोखा था, वहीं इनको गिराने की प्रक्रिया भी बहुत बहुत तकलीफदेह है। गिराने की प्रक्रिया के दौरान घरों को होने वाले जो कैलकुलेटिंग उनका नुकसान है, उसको लेकर के लोगों के दिलों में बहुत सारे सवाल हैं, डर हैं। अब विस्फोट से अगर टावर उड़ाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है धूल धक्कड़ उठेगा, खौफ का एक साया सा आसपास मंडराता रहेगा जब तक वो धूल छटती नहीं है। दरअसल ये दो प्लॉट्स 2006 में नक्शा पास होने के बाद एक प्लॉट बन जाता है और इस पर सुपरटेक ने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। इस प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 11 मंजिल के 16 टावर बनने की योजना थी और नक्शे के हिसाब से आज जहां पर 32 मंजिला एपेक्स और सियाने खड़े हैं, वहां पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। इसके साथ ही यहां पर एक छोटी इमारत बनाने का भी प्रावधान किया गया था। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक था और 2008 और 9 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया था। लेकिन उसके बाद एक ट्विस्ट आता है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले से इस प्रोजेक्ट में विवाद की एक नींव पड़ गई थी। 28 फरवरी 2009 को उत्तर प्रदेश शासन ने नए आवंटियों के लिए FAR बढ़ाने का निर्णय लिया और इसके साथ ही पुराने आवंटियों को कुल FAR का 33% तक खरीदने का विकल्प भी दिया। FAR बढ़ने से अब उसी जमीन पर बिल्डर ज़्यादा फ्लैट्स बना सकते थे। इससे सुपरटेक ग्रुप को यहाँ पर बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिल गई। यहाँ तक कि एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के बायर्स ने किसी तरह का विरोध नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरी बार जब फिर से रिवाइज्ड प्लान में इसकी ऊंचाई बढ़कर के 40 और इसकी मंजिला जो है वो 39 हो जाती है और साथ ही 121 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिली, तो होम बायर्स का सबर टूट गया।
आरडब्ल्यूए ने बिल्डर से बात करके नक्शा दिखाने की मांग की, लेकिन बायस के मांगने के बावजूद बिल्डर ने लोगों को नक्शा नहीं दिखाया। तब आरडब्ल्यू ने नोएडा अथॉरिटी से नक्शा देने की मांग की, यहाँ भी घर खरीदारों को कोई मदद नहीं मिली। नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर के साथ मिली भगत करके इन टावर्स के निर्माण को मंजूरी दे दी। अथॉरिटी ने नक्शा मांगने पर कहा कि वो बिल्डर से पूछ करके नक्शा दिखाएगी, जबकि बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक किसी भी निर्माण की जगह पर नक्शा लगा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। पर इसके बावजूद बायर्स को प्रोजेक्ट का नक्शा नहीं दिखाया गया। बायर्स का विरोध बढ़ने के बाद सुपरटेक ने इसे अलग प्रोजेक्ट बताया। हद होती है ना किसी को लूटने की, यहाँ सुपरटेक ने सारी हदें क्रॉस कर दी। किसी तरह का जब रास्ता दिखाई नहीं दिया तो 2012 में बायर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस जांच के आदेश दिए गए और पुलिस जांच में बायर्स की बात को सही बताया गया। इस जांच की रिपोर्ट को भी दबा दिया गया और इसी बीच बायर्स अथॉरिटी के चक्कर लगाते रहे, लेकिन वहां से नक्शा नहीं मिला। इसी खाना पूर्ति के लिए अथॉरिटी ने बिल्डर को नोटिस तो जारी किया, लेकिन कभी भी बिल्डर या अथॉरिटी की तरफ से बायर्स को नक्शा नहीं दिखाया गया। और बायर्स का ये भी कहना है कि इन टावर्स को बनाने में नियमों को ताक पे रखा गया है, नियमों की अनदेखी की गई है। टावर्स की ऊंचाई बढ़ने पर दो टावर के बीच का अंतर बढ़ा दिया जाता है। खुद फायर ऑफिसर कहते हैं कि एमराल्ड कोर्ट से एपेक्स या सियाने की न्यूनतम दूरी 16 मीटर होनी चाहिए, लेकिन एमराल्ड कोर्ट के टावर से इसकी दूरी मैच 9 मीटर है। इस नियम के उल्लंघन पर नोएडा अथॉरिटी ने फायर ऑफिसर को कोई जवाब नहीं दिया। और 16 मीटर की दूरी का नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि ऊंचे टावर के बराबर में होने से हवा धूप रुक जाती है। इसी के साथ आग लगने की दशा में दो टावर्स में कम से कम दूरी होने से आग फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। और ये भी सामने आया है कि नए नक्शे में इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया, जबकि बिल्डर ने IIT रुड़की के एक असिस्टेंट प्रोफेसर से निजी मंजूरी लेकर के निर्माण कार्य शुरू करा दिया, जबकि इस तरह के प्रोजेक्ट IIT की आधिकारिक मंजूरी आवश्यक होती है। यहाँ पर यह पालन नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं कि जो IIT की एक अथॉरिटी होती है वो इसमें मंजूरी देती है, लेकिन जो बिल्डर था उसने इस नियम का पालन नहीं किया। नोएडा समेत देश भर के कितने ही प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ बरस बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है। खुद सुपरटेक के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर टावर के चंद फ्लोर की कई साल में बन पाए हैं, लेकिन एपेक्स और सियाने के मामले में कुछ अलग ही देखने को मिला। 2012 में ये मामला जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा तो एपेक्स और सियाने की 13 मंजिलें बन चुकी थी और 1.5 साल के अंदर ही सुपरटेक ने 32 स्टोरीज का और निर्माण कर लिया। इतना फास्ट काम चला, इसलिए इसके लिए रात दिन वहाँ काम करने पे जोर दिया गया। और 2014 में हाईकोर्ट ने इन्हें गिराने का आदेश दिया, तब जाकर 32 मंजिल पर ही काम रुक गया। काम ना रुकने के मामले में ये टॉवर्स 40 और 39 मंजिल तक बनाए जा सकते थे। वहीं अगर ये टॉवर दूसरे रिवाइज प्लान के मुताबिक 24 मंजिल तक रुक जाते तो ये मामला भी वही रुक जाता और ऊंचाई के हिसाब से दो टावर के बीच की दूरी का नियम भी टूटने से बच जाता। इन टावर्स को गिराने में एमराल्ड कोर्ट के निवासियों, खासतौर पे जो सीनियर सिटीजन हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की। इन्होंने महीनों तक कोर्ट के चक्कर लगाए, अपने खर्च पे नोएडा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से नोएडा उनका आना जाना जारी रहा। अब ये लंबी लड़ाई 28 अगस्त को यानी के रविवार के दिन अपने अंजाम की ओर बढ़ रही है, तो भी कई तरह की शंकाएं अभी बरकरार हैं। पहले तो 6 महीने से यहाँ का मुख्य रास्ता ही बंद पड़ा था, अब इस टावर को गिराने की तैयारियों के चलते इसे बंद कर दिया गया है। अब जब यहाँ से 4000 किलो एमिनेशन निकलेगा तो धूल फैलने और अस्थमा होने और दमे के मरीजों के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा जो है माहौल बन जाएगा। धूल उड़ेगी, जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं,
जो दमे के मरीज हैं, जाहिर सी बात है उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। ट्विन टावर को गिराने में करीब 17 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्च आने वाला है और ये खर्च वटेक उठा रहा है, लेकिन इसके पहले कुल 950 फ्लैट के इन दो टावर्स को बनाने में सुपरटेक 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। गिराने का आदेश जारी होने से पहले ही इन फ्लैट्स की मार्केट वैल्यू बढ़ करके 700 से 800 करोड़ तक पहुंच गई थी। ये वैल्यू तब है जब विवाद बढ़ने से इनकी वैल्यू घट चुकी थी। रियल इस्टेट के जो बहुत ही एक्सपर्टीज है, उनका ये कहना है कि इस इलाके में 10,000 रुपये प्रति वर्ग फीट का रेट है। इसी हिसाब से बिना किसी विवाद के इन टावर्स की बाजार में कीमत 1,000 करोड़ के पार निकल गई होती। देखिए कितना बड़ा खेल है। और सुपरटेक ने इस नुकसान को बचाने की अपनी पूरी कोशिश की और तमाम उनकी दलीलें जो हैं वो उन्होंने दी, जिसमें एक टावर गिराकर वहां दूसरे को खड़ा रहने का विकल्प भी सुझाया। अब ये टावर जमी दो हो जाएंगे। ये धोखाधड़ी करने वाले जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनको एक ये कड़ा संदेश मिलेगा। हालांकि बायस का ये कहना है कि इस खेल में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी भी हैं, उनको भी सबक मिलना चाहिए। दोस्तों अब मैंने आपको ये सारी सिचुएशन बताई, सारी आपके सामने तस्वीर खींच के रख दिया है कि किस तरीके से ये अस्तित्व में आता है और किस तरीके से अब ये जमी दोज होने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कुछ सवाल अपनी जगह वैसे के वैसे ही खड़े हैं। जैसे कि जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो उस समय उन नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया, क्यों धीरे धीरे उसकी मंजिलें बढ़ाई गई, मंजिलें मीन्स उसकी स्टोरीज बढ़ाई गई। जो टावर जिसमें केवल 24 मंजिल होनी चाहिए थी, वहाँ पर मंजिलें हो जाती हैं 39। तो ये सब कैसे हुआ? कोई सुपरटेक के जो लोग हैं, जहाँ हम कहें कि जो बिल्डर है, वो केवल दोषी नहीं है। एक पूरा सिस्टम जो इसके साथ जुड़ा हुआ था, जो उन्हें सपोर्ट कर रहा था, वो पूरा सिस्टम दोषी है। और ये जो टावर जभी दोज होगा, इसमें पैसा लगा हुआ है। अब पैसा चाहे कैसा भी हो, देश का पैसा है, लेकिन देश के पैसे से ज़्यादा कीमती हमारे नागरिकों की जान है। इसलिए यही सोच करके सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो दोस्तों ये कंटेंट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और चूंकि ये बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक बार फिर कहती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। आप कमेंट तब करें जब आपको वीडियो पसंद आए। फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।